दिवाली से पहले किसानों को मिलेंगे दीपावली का तोहफा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18वीं किस्त जो कि किसानों के बैंक खाते में भेजी जा चुकी है और ये जो राशि है कितना 5 अक्टूबर सुबह के 11 बजे पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त भेज दिया। ठीक है, अब फिर से किसानों के खाते में दीपावली का तोहफा पीएम मोदी आज जारी करने वाले हैं। एक और चीज़ बता दें कि आज जो है छूटे हुए किसानों को, जिन किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की 18वीं किस्त नहीं, उन किसानों के बैंक खाते में भी जारी होगी। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त, जैसा कि देख सकते हैं 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में पीएम मोदी ने जारी की थी और ये राशि जो है 5 अक्टूबर को पश्चिम महाराष्ट्र में जो है जारी की थी और लगभग सभी किसानों के बैंक खाते में ये राशि आ भी चुका था। और पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि जिन किसानों के बैंक खाते में जो है 5 अक्टूबर को ये राशि नहीं मिलती है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले 3 से 5 दिनों में ये राशि क्रेडिट कर दी जाएगी, क्योंकि जो राशि है जो खाते में पहुंचने में 3 से 5 दिन का वक्त लग सकता है, उससे पहले भी आपके बैंक खाते में आ सकते हैं। तो यहाँ तक तो शायद आप समझ गए होंगे कि अगर आपके बैंक खाते में राशि भेजी भी जाती है तो आने का जो प्रोसेस है वो 3 से 5 दिन का लगता है। लेकिन एक और तोहफा जो कि आपको नहीं पता होगा किसानों को मिलने वाला है, वो है दीपावली का तोहफा, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी ने जो 5 तारीख को राशि भेजी गई थी वो थी दशहरा का तोहफा, ठीक है, दुर्गा पूजा का तोहफा था। लेकिन अब जो है दीपावली से पहले किसानों को दीपावली का तोहफा जो कि किसानों के बैंक खाते में जारी की जाएगी। 18वीं किस्त में जो है आपको 4000 रुपये की जो राशि है वो मिलने वाली है, जैसा कि देख सकते हैं दीपावली का तोहफा जो कि फिर से किसानों को मिलेंगे दीपावली से ठीक पहले किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपये की राशि जारी की जाएगी और उसके 4-5 दिन बाद जो है खाद बीज के लिए भी 5000 रुपये अलग से दी जाएंगी, जिसके लिए पीएम मोदी ने ऑफिशियल ट्वीट करके जानकारी भी दिया है। किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 18वीं किस्त भेजने के बाद फिर से दीपावली के पहले दीपावली का तोहफा 17000 से अधिक किसानों को डीबीटी के माध्यम से ये राशि जारी की जाएगी और देश के 12 करोड़ किसानों के बैंक खाते में ये राशि जारी की जाएगी। आपका क्या सलाह सुझाव है नीचे कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई और अपडेट आएगी तो आपको देंगे। बहुत जल्द ये राशि धाएं आपके बैंक खाते में आने वाली है, ये खुशी की खबर है, आप मिठाई बंटवा सकते हैं।